Hi everyone, to my channel, के बारे में तो ये कंपनी सी के बिड़ला ग्रुप की एक फेमस कंपनी है एंड दिस कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद एच आई एल लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स तो देखिये जो सी के बिरला ग्रुप और जो बहुत फेमस बिरला ग्रुप है आदित्य बिरला ग्रुप तो ये दोनों बिरला ग्रुप के जो फाउंडर्स है वो डिस्टेंटली रिलेटेड है इसके बारे में आप इंटरनेट में जाके सर्च कर सकते हैं एंड स्टडी कर सकते हैं हाउ दे आर रिलेटेड सी के बिरला ग्रुप के कुछ और प्रोमिनेंट कंपनीज के बारे में अगर बात करते हैं जैसे बिरला सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है ओरिएंट इलेक्ट्रिक ओरिएंट सीमेंट ओरिएंट पेपर एंड फ्यू अदर कंपनीज आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ना कमिंग बैक टू एच लिमिटेड तो चलिए सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझते हैं तो कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी का बिजनेस को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है तो एवरी इन्वेस्टर शुड नो हाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी मनी तो यहां पे अगर एच आई हाँ ए लिमिटेड का बिजनेस के बारे में बात करें तो एच आई लिमिटेड इज इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एच आई लिमिटेड टोटल चार बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है जो नंबर वन सेगमेंट है वो है रूफिंग सोलूशन तो रूपिंग सोल्यूशन में कंपनी फाइबर सीमेंट शीट्स बेचती है मतलब जो एजबेस्टस शीट्स बेचती हैं एंड नेक्स्ट जनरेशन नॉन एजबेस्टस रूपिंग शीट्स भी बेचती है तो ये जो रूपिंग शीट्स है इसका डिमांड रूरल सेक्टर एंड सेमी अर्बन में बहुत ज़्यादा है और एच आई लिमिटेड इज मार्केट लीडर इन दिस सेगमेंट इन इंडिया एंड देयर फेमस एंड पॉपुलर ब्रांड इज चार इन दिस सेक्टर

पाइप्स एंड फिटिंग्स का बिजनेस में है यहाँ पे पीवीसी एंड सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स बेचती है ऑल्सो द कंपनीज इन टू कंस्ट्रक्शन केमिकल्स लाइक वालपूटी वाटर प्रूफिंग सोलूशंस टाइल एडेसिव डिस्टेम्पर ऑल्सो कंपनी सेलिंग वाटर टैंक्स तो ये सेगमेंट में जो पाइपिंग सेगमेंट है जैसे पी वी सी सी पी वी सी पाइप उनका डिमांड रेजिडेंशियल एंड कमर्शल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा है एज वेल एज जो इरीगेशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वहाँ पर भी कंपनी को बहुत ज्यादा डिमांड आती है नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनल बिजनेस सेगमेंट विच इज फ्लोरिंग सोल्यूशन तो देखिए फ्लोरिंग सोल्यूशन के अंदर कंपनी इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग लैमिनेट फ्लोरिंग स्कर्टिंग वॉल एंड सीलिंग पैनल एंड एक्सेसरीज प्रोवाइड करती है तो यहाँ पे कंपनी का जो ब्रांड है वो है पैराडोर तो यहाँ पे चलिए समझते हैं कि एच आई लिमिटेड किस तरह फ्लोरिंग सोल्यूशन में एंटर की है तो यहाँ पे एच आई एल ने दो हजार अठारह में पैराडोर कंपनी को एक्वायर किया है पेरोडोर कंपनी इज ए जर्मन बेस्ट फ्लोरिंग सोल्यूशन कंपनी तो, तो पेरोडोर कंपनी को एक्वायर करने के बाद अभी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है पूरा यूरोप में फ्लोरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तो ये तो था कंपनी का जो मेजर बिजनेस डिविजन है तो यहाँ पे जो पहला दो डिविजन जैसे रूफिंग सोल्यूशन एंड बिल्डिंग सोल्यूशन ये कंपनी का कोर बिजनेस में आता है इस बिजनेस में कंपनी काफी सालों से है लेकिन जो पॉलिमर सोल्यूशन एंड फ्लोरिंग सोल्यूशन जो पेरोडोर ब्रांड में आता है ये दोनों सोल्यूशन काफी नया है कंपनी के लिए तो पॉलीमर सोल्यूशन एंड फ्लोरिंग सोल्यूशन में वेंचर करने के बाद कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बिजनेस पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड हो चुका है नाउ टॉकिंग अबाउट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे कंपनी का पास टोटल 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इन इंडिया वन इन जर्मनी एंड वन इन ऑस्ट्रिया तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो प्लांट्स है दैट इज बेसिकली फ्रॉम पेरोडोर एक्विजिशन कंपनी के पास ट्वेंटी लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड कंपनी का डीपर मार्केट है स्पेशली रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में तो एच आई एल कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजेशन किए हैं तो एच आई एल हैज रिसेंटली एक्वायर्ड फास्ट बिल्ड ब्लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड तो फास्ट बिल्ड इज बेसिकली इन टू ए सी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ ओडिशा तो एच आई एल ने सैंतीस करोड़ में इस कंपनी को खरीदा है फास्ट बिल्ड का एफ आई ट्वेंटी टू में रेवेन्यू था पच्चीस करोड़ तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा

2700 करोड़ fy22 में कंपनी का roc था 20% एंड roe 19% मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स आर वेरी गुड पिछले तीन साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है 18% CAGR पैट ग्रोथ 24% CAGR मतलब कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही है डेट एज ऑफ जून एज ऑफ जून 2022 अगर कंपनी का कर्जा देखें बुक्स में वो है 278 करोड़ बट अगर हम मार्च 2020 में कंपैरिजन करें मार्च 2020 में कंपनी का डेट था 741 करोड़ मतलब 741 करोड़ से घटा के कंपनी ने ले आया है दो करोड़ तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा डेट रिडक्शन किया है पिछले दो साल में कंपनी के पास कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं छिहत्तर करोड़ एंड दिस कंपनी इज रेगुलरली जनरेटिंग फ्री कैश फ्लो इन लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर्स तो यहाँ से पता चलता है कंपनी का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितना अच्छा है एंड कैपिटल एलोकेशन भी बहुत अच्छा है ना फाइनली अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग एट थर्टीन टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल ऑन टी टी एम बेसिस मतलब पिछले बारह महीने के हिसाब से तेरह टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही है तो ये कंपनी इवन दो इट इज़ पार्ट ऑफ ए गुड कंग्लोमट लाइक सी के बिरला ग्रुप और बहुत अच्छा बिजनेस में है जो हाई डिमांड बिजनेस है तो यहाँ पर चलिए पता करते हैं प्रॉब्लम क्या है तो क्यों ये कंपनी लो प्राइज टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही है तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एफ आई ट्वेंटी थ्री मतलब क्यू वन एफ आई ट्वेंटी थ्री का जो रिजल्ट आया उसको एनालिसिस किया हूँ तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रूफिंग सोल्यूशन में दस परसेंट का वृद्धि हुआ है रेवेन्यू में चार सौ बारह करोड़ से बढ़ के चार सौ तिरपन करोड़ लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ पे फोर्टीन परसेंट का डी ग्रोथ हुआ है और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच गया है एक सौ एक करोड़ बिल्डिंग सोल्यूशन वहाँ पे देखते हैं फोर्टी नाइन परसेंट का जंप हुआ है रेवेन्यू में एंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री परसेंट का जंप हुआ है प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स में तो यहाँ पर जो रूफिंग सोल्यूशन है उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन आता है लगभग बाईस परसेंट और बिल्डिंग सोल्यूशन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन आता है लगभग ग्यारह परसेंट फ्लोरिंग सोल्यूशन में रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ चार परसेंट रेवेन्यू आ गया है थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव करोड़ बट यहाँ पर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें यहाँ पर एट्टी टू परसेंट का ड्रॉप हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले था पिछला साल था बाईस करोड़ वो हो गया है चार करोड़ तो यहाँ पे लगभग बिजनेस प्रॉफिट लगभग गवा चुकी हैं पॉलीमर सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर 108 करोड़ से भर के एक करोड़ हो गया बट जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ पे माइनस तीन करोड़ हुआ है मतलब कंपनी ने लॉस किया है इन दिस बिजनेस सेगमेंट तो इस एनालिसिस से ये समझ में आता है जो रूफिंग सोल्यूशन एंड बिल्डिंग सोल्यूशन मतलब जो कोर बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन अच्छा है बट जो दो नया सेगमेंट है फ्लोरिंग सोल्यूशन एंड पॉलीमर सोल्यूशन काइंड ऑफ लॉस मेकिंग बिजनेस है या जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है अगर हम यहाँ पे ये दो पाई चार्ट को कंपेयर करते हैं डेटा को ये डेटा क्यू वन एफ आई ट्वेंटी थ्री का रिजल्ट के हिसाब से है तो यहाँ पे देख सकते हैं रूफिंग सोल्यूशन जो रेवेन्यू पे कंट्रीब्यूट करता है बयालीस परसेंट फ्लोरिंग सोल्यूशन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है थर्टी फोर परसेंट लेकिन अगर सेम चीज को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे रूफिंग सोल्यूशन फोर्टी टू परसेंट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है एट्टी थ्री परसेंट तो मतलब टोटल प्रॉफिट का एट्टी थ्री परसेंट रूफिंग सोल्यूशन से आता है जो कि कोर बिजनेस है सेकेंडली फ्लोरिंग सोल्यूशन जो थर्टी फोर परसेंट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिर्फ थ्री परसेंट कंट्रीब्यूट करता है सो दिस इज द प्रॉब्लम इवन दो वो चौंतीस परसेंट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन नेगलिजिबल है सिमिलरली पॉलीमर सोल्यूशन जो थर्टीन परसेंट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस टू परसेंट कंट्रीब्यूशन है सो दिस इज द प्रॉब्लम हेयर विद दिस कंपनी एच आई लिमिटेड जो दो नया बिजनेस सेगमेंट है जिसमें कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है पॉलीमर सोल्यूशन एंड फ्लोरिंग सोल्यूशन तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन हो रहा है लेकिन प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा है एज पर माई एनालिसिस जो दो नया बिजनेस सेगमेंट है फ्लोरिंग सोल्यूशन एंड पॉलीमर सोल्यूशन जहाँ पे कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है तो ये दोनों बिजनेस सेगमेंट बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है तो उसके चलते इन्वेस्टर्स आर नॉट गिविंग गुड मल्टीपल और गुड वैल्यूएशन टू दिस कंपनी बट मेरा ये मानना है दिस कंपनी इज़ वेरी ओल्ड 1946 में कंपनी का शुरुआत हुआ है एंड दिस कंपनी इज़ पार्ट ऑफ अ बिग कंग्लोमरेट लाइक सीके बिरला ग्रुप तो जो मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है तो मुझे लगता है आने वाले सालों में मे भी यहाँ पर डिले हो सकता है मे भी वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर टाइम लग सकता है ये जो दो नया डिविजन को एज़ पर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन परफॉर्म करने में तो मैं यहाँ पे वेट करने के लिए रेडी हूँ और मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ लेकिन जब ये बिजनेस में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा तब तक शेयर प्राइस में भी मल्टी बैगर रिटर्न आ जाएगा क्योंकि अभी बिकॉज देर इज़ ए प्रॉब्लम अभी ये लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखेंगे लेस देन वन है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल सिर्फ थर्टीन पे चल रहा है कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा नहीं है फ्री कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट कर रही है तो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दिस टू बिज़नेस सेगमेंट्स प्रॉब्लम डाइवर्सिफिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पे लो वैल्यूएशन मिल रहा है बट आगे जाके जब बिज़नेस में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस भी दिखेगा और तब शेयर प्राइस भी मल्टीपाइक रिटर्न दे देगा तो ये मेरा थीसिस है आई कैन गो रंग तो यहाँ पे आप लोग भी बिज़नेस के बारे में स्टडी कर सकते हो एंड यू कैन टेक योर ओन इन्फॉर्म्ड डिसीजन सो फ्रेंड्स आई होप यू गाइज लाइक दिस बिजनेस एनालिसिस एंड डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल तो जो भी अच्छे क्वालिटी कंपनीज़ हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जो लो वैल्युएशन में अवेलेबल है मैं उनके बारे में डीप रिसर्च करूँगा एंड आई विल मेक वीडियोज ऑन देन सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन एन्जॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग